क्या हो अगर आपको पता चले कि दो कजिन ने आपस में शादी कर ली? आप कहेंगे वो तो रिश्ते में भाई बहन थे, फिर शादी कैसे कर ली? ऐसा तो मुस्लिम रिलीजन में होता है, जहां वो ब्लड रिलेशन को छोड़कर बाकी सभी रिलेशन में एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पारसी समुदाय की। ब्रेव, इंटेलेक्चुअल और अपने हार्ड वर्क के लिए जाने जाने वाले इस समुदाय में ये परंपरा हमेशा से रही है। साथ ही इस बात का भी हार्ड रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि ये अपने समुदाय से बाहर कहीं भी शादी नहीं करते। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पारसी समुदाय के कुछ अनमोल सीक्रेट्स। आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जरूर बनी रहिएगा। क्या आपको पता है कि पारसी समुदाय का इंडिया के डेवलपमेंट में कितना योगदान है? इनफैक्ट हमारे देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग में पारसी समुदाय का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जमशेद जी टाटा खुद एक पारसी फैमिली से थे, जो इस देश के शुरुआती दौर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आज भी उन्हीं के वंशज इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों चिंता की बात है कि पारसी समुदाय की पॉपुलेशन हर जनगणना के अकॉर्डिंग 12% की रेट से कम हो रही है। आज की तारीख में इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 0.06% ही पारसी समुदाय है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, दादा भाई नौरोजी, मैडम भिकाजी गामा, जमशेद जी टाटा, ये कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर पारसी लोगों के नाम हैं जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस से लेकर इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट में जबरदस्त योगदान दिया है। ये केवल डेवलपमेंट लीडर ही नहीं है, बल्कि देश की जरूरत के हिसाब से इन्होंने जो दान दिया है, उसमें भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जमशेद जी टाटा ने एक समय में $107 बिलियन डोनेशन दिया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1971 के इंडो पाक वॉर के हीरो रहे स्वर्गीय फील्ड मार्शल सैम मोनेकशॉ, इनको कौन नहीं जानता। स्वर्गीय मोनेकशॉ भी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। आज की तारीख में मुंबई में लगभग 3000 पारसी ट्रस्ट है, जो इसी कम्युनिटी की वजह से संचालित भी होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पारसी समुदाय में ऐसा क्या है जो ये इतने अमीर होते हैं? तो चलिए इसका जवाब देते हैं। साल 1819 में जब ब्रिटिशर्स ने एंग्लो मराठा वॉर को जीत लिया, मुंबई उस समय भी एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था, इसलिए अंग्रेजों ने मुंबई को अपना ऑपरेशनल हब बनाया। यहाँ पहले से ही पारसी समुदाय के लोग रहा करते थे। इनकी खासियत ये थी कि ये सभी के सभी वेल एजुकेटेड थे, एक समुद्र में दौड़ने वाले शिप बनाने में एक्सपर्ट थे और ब्रिटिशर्स के काफी काम आने वाले। अंग्रेजों ने पारसी कम्युनिटी को और उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को काफी अच्छे से इस्तेमाल किया, इसे मुंबई के डेवलपमेंट में लगा दिया। मुंबई के डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पारसी समुदाय को दिए गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। भारत के मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन में पारसी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है और वो हर इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनकर बैठ गए। यानी कि स्टील इंडस्ट्री, कॉटन हॉस्पिटल के फील्ड में जमशेद जी टाटा का नाम सबसे पहले है, रियल स्टेट के फील्ड में शाहपुर जी का नाम है, शिप बिल्डिंग के फील्ड में वाडिया का नाम सबसे आगे है, गोदरेज सोप एंड लॉक जैसे और भी बेहतरीन एग्जाम्पल है। कहने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजों के भरोसे को पारसी कम्युनिटी ने 100% कायम रखा है और उन्हें जो टास्क दिया गया उसका रिजल्ट उन्होंने 100% परफेक्शन के साथ डिलीवर किया। लेकिन ये कहना कि पारसी कम्युनिटी केवल अंग्रेजों के बल पर एक रिच कम्युनिटी बन पाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पारसी लोगों का आपस में एक दूसरे को लेकर इतना सपोर्टिव एटमोस्फेयर है कि वो अपने किसी भी मेंबर को अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि अगर किसी पारसी मेंबर की अर्निंग उनकी एवरेज रेंज से कम है तो वो उसे पुअर कैटेगराइज करते हैं और फिर पारसी महापंचायत कम्युनिटी उन लोगों को अलग अलग फैसिलिटी में सब्सिडाइज करती है। लेकिन आज की तारीख में इस कम्युनिटी को लेकर एक चिंता की बात है, इनकी घटती पॉपुलेशन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2050 तक इस कम्युनिटी के केवल 20,000 लोग ही बचेंगे। इसके पीछे इनकी एक मेंटालिटी है और वो ये कि वो अपनी कम्युनिटी में किसी भी दूसरे कम्युनिटी के व्यक्ति को शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो शादी ब्याह भी अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के बीच करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कबीरा सिस्टर्स। ये दोनों बहनें पारसी समुदाय से हैं, केरला में रहती हैं, पर ये पूरी उम्र कुंवारी ही रह गए क्योंकि इन्हें अपनी कम्युनिटी का लड़का ही नहीं मिला। इनकी एक तिहाई पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर के लोगों की है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पारसी कम्युनिटी की 30% पॉपुलेशन अनमैरिड है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पारसी लड़का या लड़की किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर लेता है तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? वैसे तो इंटर रिलीजन मैरिज में हमेशा कपल को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उन्हें अपनी ही कम्युनिटी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर इस मामले में पारसी कम्युनिटी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करने वालों को वो पूरी तरह से कम्युनिटी के रीति रिवाजों से भी बाहर कर देती है। हमारे पास उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। गुलरूप गुप्ता एक ऐसी पारसी लड़की जिसने दूसरे रिलीजन के लड़के से शादी की। इसके रिजल्ट ये हुए कि इस लड़की को अपने ही पिता के फ्यूनरल में शामिल होने से रोक दिया गया। दूसरा मामला है मुंबई का, जहां एक पारसी लड़की रोशनी ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली। इसके बाद उसे पारसी महापंचायत से थ्रेट कॉल आने लगे। पारसियों में बच्चों का एक संस्कार होता है जिसे नवजोत कहा जाता है। उसे
अपने बच्चे का ये संस्कार कराना था, लेकिन उसे इसकी परमिशन नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पारसी कम्युनिटी धीरे धीरे खत्म होना तो पसंद कर रही है, लेकिन दूसरे रिलीजन में शादी करना पसंद क्यों नहीं कर रही? आखिर इस हार्ड डिसीजन के पीछे रीजन क्या है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए पारसी कमेटी के पास्ट में चलते हैं। एक समय था जब ईरान के पूरे भूभाग पर पारसी कम्युनिटी का अपना शासन चलता था, लेकिन आज से लगभग 1200 साल पहले अरब आक्रमणकारियों ने जब यहाँ पर हमला किया तो उन्होंने बड़ी भारी संख्या में इस कम्युनिटी को मारना शुरू किया। वो या तो इन्हें कन्वर्ट कर देते थे या मार देते थे। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वहाँ के कुछ रिच पारसी लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना ज्यादा सही समझा। पारसी लोग पहले से ही गुजरात के संजन स्टेट से ट्रेड किया करते थे। वहाँ माइग्रेट करके गुजरात के संजन स्टेट में आ गए। यहाँ के राजा जडीराना ने उन्हें अपने स्टेट में रहने दिया। एक नए देश में आने के बाद इन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ शादी ब्याह के संबंध को करना पसंद नहीं किया। वो अपने ही लोगों के बीच शादी ब्याह करना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही कजन रिलेशन में शादी ब्याह करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह ये थी कि वो अपनी जेनेटिक क्वालिटीज को बचाए रखना चाहते थे। अब ये जानना भी जरूरी है कि क्या जेनेटिक क्वालिटीज को प्योर रखने का ये फैक्ट इनके रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि आज से कई हजार साल पहले पारसियों के बीच क्लोज रिलेशन में भी शादी का चलन हुआ करता था, जो कुछ समय बाद बंद कर दिया गया और उसके बाद केवल कजिन के बीच होने वाली मैरिज की परमिशन ही दी गई। आज भारत में 260 डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, जो अपने ही लोगों के बीच शादी करना पसंद करते हैं। पारसी भी उनमें से एक है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक इस तरह के लोगों के बीच हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, जैसे दिमाग से संबंधित बीमारियां, समय से पहले सुनने और देखने की क्षमता का कम हो जाना, लर्निंग डिसेबिलिटीज और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। पारसी समुदाय के लोगों के बीच भी इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को देखें तो ये रीजन सामने आता है कि जब सेम कम्युनिटीज में मैरिज होती है तो एक जैसे जीन्स ही एक दूसरे से मिलते हैं और वही आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं। आने वाले समय में ये जीन्स कमजोर होकर अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं। दूसरी तरफ अगर डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच मैरिज होती है तो दो डिफरेंट जीन्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। एक जीन्स डोमिनेट होता है और दूसरा कमजोर भी होता है, तो वो दूसरे जीन्स से मिलकर एक हेल्दी लाइफ वाले बेबी को दुनिया में लेकर आता है। पारसी कम्युनिटी को उनका ये अपनी ही कमेटी में शादी करने का रिवाज दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। पहला तो ये कि उनकी कम्युनिटी में शादी के लायक लड़के लड़कियां नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अनमैरिड रह रहे हैं। दूसरा, जो अपनी ही कमेटी में शादी कर रहे हैं उनकी आने वाली पीढ़ियों के बीच जेनेटिकल डिसऑर्डर देखे जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है इनका IBD यानी कि आइडेंटिटी बाय डिसेंट। इसे शून्य होना चाहिए, लेकिन वो काफी बड़ा हुआ देखने में आ रहा है। हालांकि ये समस्या उन तमाम कम्युनिटीज में देखने में आ रही है जो अपनी ही कम्युनिटीज के लोगों के बीच शादी करना जरूरी समझते हैं, लेकिन ये बात हमारे देश के इस इम्पोर्टेंट और रियल माइनॉरिटी के एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम बन गई है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।